Hello guys, I am Megha and welcome back to my YouTube channel and welcome back to another makeup tutorial. So for today's video, I'm gonna create a very beautiful soft look with dramatic eyes. As you guys already know that skincare is very important before makeup. So here I'm starting with my skincare, applying some moisturizer and then sunscreen. And now my skin is ready to put on some makeup. So मैं start कर रही हूँ primer से. It's a oil free primer and it's from inside. उसके बाद मैं apply कर रही हूँ ये Swiss Beauty का highlighting primer to add some extra glow. This highlighting primer works really well underneath your foundation or concealer. नाउ मेरे फेस पे जो भी सारे डार्क स्पॉट वगैरह है या फिर रेडनेस है उसको कवर अप करने के लिए मैं ये वाला कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ पहले एंड उसके बाद एक ब्रश की मदद से मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. दिस कंसीलर इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड इसने मेरे ऑलमोस्ट जो भी सारे डार्क स्पॉट्स वगैरह है उसको अच्छी तरीके से कवर अप कर दिया है एंड आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड. This concealer has very good coverage. It's easily blendable and it's affordable too. और क्या चाहिए आपको अपने concealer से? It's a beautiful product. Now that I'm done with blending my concealer, so foundation is the next step. And for foundation, I'm using my trusty dusty Maybelline's Superstay Matte Foundation. And again, I'm using a blending brush to blend my foundation. This foundation is so lightweight, but it gives you a very good coverage and it's also very easily blendable. So I just love this foundation. Next, I'm using another concealer to highlight my under eyes and थोड़ा सा मैं अपने nose के bridge के ऊपर भी apply कर रही हूँ, थोड़ा सा chin पे and थोड़ा सा मेरे forehead पे भी use कर रही हूँ as a highlighting shade. Alright, now it's time to apply some cream blush and this blush is from Swiss Beauty and this is so pigmented and just look at this color. This is so beautiful and yeah, I think I'm just a fan of this product. Okay, so now it's time to set my face and I'm using Mars's loose powder to set my face starting with my under eyes. उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी मैंने वो लाइट कंसीलर यूज़ किया था या फिर जहाँ पे मुझे ज़्यादा स्वेट आता है वहाँ पे मैं अच्छे से पाउडर से सेट कर लूँगी एंड मैं अपने चीक्स पे पाउडर अप्लाई नहीं करूँगी कि मुझे वो ब्लश वो जो ड्यूवी वाला इफेक्ट है उसको रखना है. सो दैट्स व्हाई एंड हियर आई एम यूजिंग दिस पैलेट टू ब्रॉन्ज माय फेस. आई नेवर रियली एंजॉयड ब्रॉन्जिंग माय फेस अर्लियर बट नाउ आई जस्ट लव इट. इट जस्ट गिव्स योर फेस अ वेरी लिफ्टेड लुक व्हिच आई रियली लाइक. Now let's apply some powder blush and how much blush is too much blush you guys. I just love apply blush and थोड़ी देर बाद ये blush set होने लग जाता है. So अब थोड़ा सा ज़्यादा भी लगा लो ना तो ये बाद में set हो ही जाएगा. So no tension and मैं अभी अपने पूरे makeup को अच्छे से set कर रही हूँ ताकि ये हिले ना with this makeup fixer. This is from Swiss Beauty. Okay, so now it's time for doing my eyebrows and eyebrows can change your look, trust me. अगर आप अच्छे तरीके से टाइम लेके अपने आईब्रोज को फिल करोगे ना तो ये आपका पूरा लुक चेंज कर सकता है. सो नाउ इट्स टाइम टू डू सम आई मेकअप.
ओके, तो आज मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक ग्रीन आईज करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने पहले एक ट्रांजिशन शेड को अपने पूरे आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, एंड उसके बाद मैं इस ग्रीन शेड को अच्छे तरीके से अपने आउटर कॉर्नर की तरफ प्लेस कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं ये डीपर सा एक ग्रीन शेड ले रही हूँ एंड थोड़ा सा और मैं इस ग्रीन को इन्हेंस कर रही हूँ। नाउ आई एम टेकिंग दिस ग्रीन शिमा शेड एंड मैं एकदम आईज के मिडिल पे उसे अप्लाई कर रही हूँ, नॉट टू माई इनर कॉर्नर्स। एंड इनर कॉर्नर्स पे मैं ये वाला शैम्पेन सा व्हाइट शेड को अप्लाई कर रही हूँ एंड लुक एट दैट, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, राइट। उसके बाद मैं इस पिंक सा शेड को ले रही हूँ एंड ऐसे थोड़ा सा अपने आईलिट के ऊपर ऐसे मैं इसे प्लेस कर रही हूँ ताकि वो ब्लश का इफ़ेक्ट एंड मेरे आई शेडो का इफ़ेक्ट थोड़ा सा सेम रहे। इससे लुक बहुत ही पुट टुगेदर सा होके आया है। जस्ट लुक एट द आईज, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग सम मस्कारा टू कम्प्लीट द आई लुक। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेट्स अप्लाई सम लिपस्टिक एंड येस, दिस इज द एब्सोल्यूट फाइनल लुक। Okay guys, so this was it for today. I hope you guys like this video. If you do, then let me know in the comment section below. And if you are watching my video for the very first time, then please do subscribe to my channel and press the bell icon beside the subscribe button. And please do like, comment and share to my videos. I'll definitely see you guys in my next video. Till then, take care, tata and goodbyes.